हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रशप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो चीज इतने टाइम से रुकी हुई थी फेसबुक की तरफ से, आखिरकार वो कल लॉन्च हो चुकी है। लोगों के क्वेश्चंस और इतनी परेशानियों के बाद आखिरकार फेसबुक ने वो चीज लॉन्च कर दी है जिसका नाम है डेटा ट्रांसफर टूल। तो फ्रेंड्स, लोगों के कितने क्वेश्चंस थे कि हम अपनी जो पोस्ट डिलीट हो चुकी हैं या फिर जो हमारे फेसबुक अकाउंट बंद हो चुके हैं उनके वीडियोस और फोटोज का हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। कई लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई कि कैसे आप अपनी फेसबुक की वीडियोस और फोटोज डाउनलोड कर सकते हैं फोन में, लेकिन वो इतनी हेल्पफुल नहीं हुई क्योंकि क्वालिटी फोटोज की और वीडियोज की खराब हो जाती है और लोगों के फोन में इतना स्पेस भी नहीं होता कि वो वीडियोज और फोटोज को रख पाए अपने फोन में। और कई लोग अपना फोन चेंज कर लेते हैं तो पुरानी फोटोज और वीडियोज डिलीट हो जाती हैं। तो इस चीज को देखते हुए फेसबुक ने एक साल पहले यूरोप में और कल ग्लोबली ये टूल लॉन्च कर दिया है फेसबुक एप्लीकेशन पे और फेसबुक वेबसाइट पे, ताकि लोग अपनी फोटोज और वीडियोस को सीधा डायरेक्टली फेसबुक ऐप के अंदर से ही गूगल फोटोज पे सेव कर पाए। मैं ये चीज ट्राई कर चुका हूं तो मैं आपको अपने फोन पे ये चीज करके दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप। आपको स्टेप मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपने कोई स्टेप मिस किया तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आप ये देखो और मैं अगली स्क्रीन आपको फोन पे दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि आप ये चीज कैसे कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने फेसबुक एप्लीकेशन अपने फोन में ओपन कर लिया है, तो मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ जो आपको फॉलो करने हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो टॉप राइट में थ्री लाइंस का ऑप्शन आ रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा ये मेन्यू पेज खुल जाएगा, हमें इसमें सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आप देखेंगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन आ रहा होगा, हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद हमारी सेटिंग्स खुल जाएंगी और हमें इसमें भी नीचे आना है। नीचे जैसे कि आप देखेंगे योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन का एक टैब होगा, जिसके अंदर लास्ट जो ऑप्शन है ट्रांसफ़र और कॉपी ऑफ योर फोटोज़ और वीडियोज़, ये कल ही आया है सबके फ़ोन में तो आपको भी ये मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो facebook.com ओपन हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये भी ओपन होगा। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हो चूज़ डेस्टिनेशन का ऑप्शन आ रहा है, और अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये चूज़ डेस्टिनेशन में गूगल फोटोज़, ये टूल कल ही लॉन्च हुआ है, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है चूज़ टू ट्रांसफ़र अ कॉपी ऑफ आइदर योर फोटोज़ और वीडियोज़। या तो आप अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं गूगल फोटोज़ में। तो मैं अभी आपको फ़ोटोज़ करके दिखाता हूँ। फ़ोटोज़ पर ये ऑलरेडी क्लिक है तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद accounts.google.com ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और यहाँ मेरी ईमेल आईडी आ रही है। अगर आपकी नहीं आ रही होगी तो आप ईमेल आईडी डाल देना। तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी पे अपनी क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कंफर्म योर चॉइसेस वाला पेज आ जाएगा और हमें यहाँ बॉटम में अलाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, हमें यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ पे क्लिक करते ही फेसबुक एप्लीकेशन दोबारा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो ये ओपन हो चुकी है और यहाँ गूगल फोटोज़ पे ये आ चुका है। तो यहाँ पर हमें कंफर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। कंफर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करते ही जैसे कि आप देख रहे हो फोटोज़ ट्रांसफ़र टू गूगल फोटोज़ रिक्वेस्टेड ऑन June 7, 2020 17:19 PM। तो ये इन प्रोग्रेस आ रहा है और थोड़ी देर बाद ये सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होते ही आपकी फ़ोटोज़ जो हैं वो आपके गूगल फोटोज़ में ऑटोमेटिकली चली जाएंगी, और यही प्रोसेस है वीडियोज़ का भी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इन स्टेप की हेल्प से आप अपने फेसबुक की फोटोज और वीडियोस जो हैं उनका बैकअप बना सकते हैं गूगल फोटोज में अपनी फेसबुक ऐप से ही। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अपडेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।